जेके पीएससी की जो खबरें काफ़ी दिनों से चर्चा में हैं, जिसके अंदर अगर बात की जाए तो केएस मेंस का 2016 का जो बैच का रिज़ल्ट निकला था 4 दिसंबर को, उस दिन के बाद से ही लगातार प्रदर्शन जारी थे और प्रदर्शनों के चलते जो स्टूडेंट्स का ये कहना था कि कहीं ना कहीं धांधली हुई है, जिस धांधली को मास एरर का नाम दिया जा रहा था, मास स्कैम का नाम दिया जा रहा था। हालांकि चेयरपर्सन जेकेपीएससी मिस्टर देवा से मेरा जो एक 1-to-1 इंटरव्यू हुआ था, उसके अंदर उन्होंने मानने से ही इनकार किया था कि एज सच कोई चीज़ हो सकती है। लेकिन जम्मू व कश्मीर ऐसा पहली बार हुआ है कि हर खित्ते से जो है लोग बाहर आए और एक मास एजिटेशन लॉन्च की, जिसके बाद अब जुडिशरी ने ये किया है कि फ़िलहाल जो इंटरव्यूज़ हैं उन पे स्टे लगा दिया है, जिससे रिलीफ तो मिला है उन स्टूडेंट्स को जो लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। और अब इन लोगों का क्या कहना है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि अब बात ये उठ रही है कि अगर जेकेपीएससी में ये सब फ्लॉज हैं या जो सब चीज़ों पे इन्होंने बात रखी थी अगर कुछ है, तो इसके साथ जुड़े हुए लोगों को रिज़ाइन करना चाहिए, ये कहना है अब इन स्टूडेंट्स का। ये बात करते हैं मैम, ये जो इंटरव्यू स्टे हुए हैं इसके बाद अब आप क्या कहना चाहते हैं? अब ये भी कहा गया है कि 1 महीने के अंदर जो है मैन्युअली चेकिंग होगी, क्या आप सेटिस्फाइड हैं, आप संतुष्ट हैं? फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक जुडिशरी कि आवर क्राई फॉर द जस्टिस हैज़ बीन हर्ड बाय द जुडिशरी, एंड सेकेंडली लाइक आवर जैसे हमारा इशू था कि हम जुडिशरी में चले गए अपना इशू लेके कि हम जस्टिस चाहते हैं, वी वर डिनाइड जस्टिस बाय द जेकेपीएससी चेयर व्हेन वी मेट चेयरमैन, तो उन्होंने कहा हमने ट्रांसपेरेंट मोड अपनाया है, बाद में डिजिटल मार्किंग का सामने आ गया, तो फाइनली अब पता चला हमें हमारे पेपर्स के साथ क्या हुआ है। एंड हमारी डिमांड है अब कि वी वॉन्ट द मैनुअल इवेल्युएशन ऑफ फिजिकल पेपर्स एंड दैट टू नॉट अंडर दिस कमीशन, because we have totally lost the trust in this commission, we don't trust them, and we also demand that these officials in PSC, whole PSC commission and the particular officials should made accountable for this mess, and we want that they should be shunted out, and we want the judicial probe or an independent commission or eminent personalities an independent body who will go for our under whose supervision our evaluation of physical papers will be carried on or done. वी डोंट ट्रस्ट दिस कमीशन, हमें इस कमीशन पे अब कोई भरोसा नहीं है, हम चाहते हैं कि मैनुअल इवेल्युएशन हो हमारे पेपर्स की और वो भी इस कमीशन के अंडर नहीं, वी वॉन्ट दिस कमीशन टू रिजाइन ऑन द मॉरल ग्राउंड्स बिकॉज वी हैव बीन विक्टिमाइज बाई दिस कमीशन इंटेलेक्चुअली एंड मॉरली ऑल्सो, सो वी डोंट वी हैव टोटली लॉस्ट द ट्रस्ट, वी वॉन्ट our demand is to make them accountable for this mess and we want the manual evaluation of our papers that too under an independent body or under UPSC or some other body or what the court may deem fit, whatever the court decide for us. So and secondly I would like to add one more point here ke hamari ladai ना किसी उस बंदे से है जो सिलेक्ट हुआ है, ना उससे है जो ड्रॉप हुआ है, हमारी लड़ाई इट्स अगेनस्ट द सिस्टम, इट्स अगेनस्ट द पीएससी, इट्स अगेनस्ट दोज ऑफिशियल्स हु हैव क्रिएटेड द मैस, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हम वी वर आस्किंग फॉर आवर राइट्स एंड आवर डिमांड्स आर वी वॉन्ट जस्टिस एंड विच हैव बीन प्रिवेल्ड एंड विच जुडिशरी हैड प्रोवाइड अस रिलीफ हियर, एंड फाइनली आई वुड लाइक टू थैंक्स वंस अगेन जुडिशरी, थैंक यू। सर अब आपका क्या कहना है कि जो ये स्टे किया गया है क्या सेटिस्फाइड है? 1 महीने का जो टाइम दिया गया है कि मैनुअली चेकिंग होगी, और अगर मैनुअली चेकिंग में जो आपने एलिगेशन लगाए थे, एक तो ब्लू आइट कैंडिडेट्स, दूसरा काफ़ी सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे जो कहा जा रहा था बार बार प्रदर्शन में, अगर ऐसे बाहर निकलते हैं तो क्या होना चाहिए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे यही डिमांड रही है कि ओनली द मेरिट शुड प्रिवेल, और वी आर हाईली थैंकफुल टू द जुडिशरी दैट यू नो फाइनली आवर क्राई फॉर जस्टिस हैज़ बीन हर्ड, एंड वी आर ऑफ द फर्म बिलीव
कि हमें जस्टिस मिलेगा और वो ऑनरेबल जुडिशरी से मिलेगा. रेस्ट ऑफ ऑल जो ब्लू आइड कैंडिडेट्स की बात है, जो नॉन मेरिटोरियस कैंडिडेट्स की बात है, वी आर होपफुल कि जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं वो मैनुअल एवेल्यूएशन में भी जो है वो अपना मेरिट लेके आगे आएंगे. दे विल अपेयर फॉर द इंटरव्यू और उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो सक्सेसफुल होंगे फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में. बात ये है कि JKPSC हैज़ इम्प्लीमेंटेड डिजिटल चेकिंग ऑफ पेपर्स नॉट ओनली इन एन आर्बिट्रेरी मैनर, नॉट ओनली इन अ डुबियस मैनर, बट ऑल्सो इन अ हिडन मैनर, क्योंकि ये टोटली छुपाया गया हुआ था. हमने प्रोटेस्ट किए, प्रोटेस्ट के बाद हमें क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिली कि ये डिजिटल चेकिंग ऑफ पेपर्स जो है इसी ने सारा मेस क्रिएट किया है. एंड फाइनली जो है वो चेयरमैन ने 10 दिसंबर को ये कंफर्म किया, रिवील किया कि हम डिजिटल चेकिंग ऑफ पेपर्स के लिए गए हैं. तो हम मानते हैं कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी जो मेस क्रिएट की है वो डिजिटल चेकिंग ऑफ पेपर्स ने ही की है. एंड वी आर ऑफ द फर्म बिलीव कि ऑनरेबल जो जुडिशरी है दे विल प्रोवाइड अस जस्टिस. मैनुअल एवेल्यूएशन ऑफ पेपर्स जो है वो जस्टिस प्रिवेल करेगा और वो भी इस कमीशन के अंडर. बिल्कुल हम वी विल नेवर एवर एक्सेप्टेड. इस कमीशन पे ने पूरा ट्रस्ट हमारा रिजेक्ट किया है, पूरा ट्रस्ट लूज किया है. वी वांट मैनुअल एवेल्यूएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट्स एंड दैट टू अंडर द एन इंडिपेंडेंट बॉडी और अंडर द सुपरविजन ऑफ एन इंडिपेंडेंट कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ एमिनेंट पर्सनैलिटीज एज द ऑनरेबल कोर्ट विल डीम फिट. आखिर में बिल्कुल आप क्या ऐड करना चाहेंगे? सर, ये हमेशा कहते हैं कि हम फुल प्रूफ हैं. प्रीलिम एग्ज़ाम हुआ तो हम वहाँ पर गए, कीज़ गलत थी तो बोला फुल प्रूफ है, फिर वो साबित हुआ कि वो गलत थी. उसके बाद जब मेंस एग्ज़ाम हुआ तो फिर से कहा फुल प्रूफ है, एक बार मेंस भी कॉस्ट कर दिया कोर्ट ने. अब जो वाइवा होने वाला था वो फुल प्रूफ की ही बात आ रही थी फिर से. अब आप देखेंगे कल के ऑनरेबल चीफ जस्टिस मैम ने क्या कर दिया, उसका पिल हमारी जो है वो वहाँ पर है और इंटरव्यू प्रोसेस को स्टे कर दिया है. तो ये हमेशा जो हमें कोर्ट के दरवाजे पर ही खटखटाना जाना पड़ता है, वी ऑलवेज हैव टू मूव टू द कोर्ट. ऐसा क्यों है? ये इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन था, क्यों नहीं ये अपना काम प्रॉपरली कर रहा है? देखिए सर, ये कंसिस्टेंटली इसी साल नहीं हो रहा है कि हम इस साल निकल के आएंगे, हर साल होता है और ये हर एग्जाम में होता है. क्या ये बोलते हैं कि ब्लू वाइड, क्या ब्लू वाइड, क्या ये डकी छुपी बात है कि ब्लू वाइड लोग नहीं होते हैं? क्या डकी छुपी बात है ये कश्मीर में? आप हमारे करप्शन इंडेक्स का देख लीजिए, हम करप्शन इंडेक्स में कहाँ आते हैं? क्योंकि हम करप्शन इंडेक्स में हाई इसलिए रैंक करते हैं क्योंकि देवा साहब जैसे बंदे जो है वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं सर. ठीक, अगर ये इंस्टीट्यूशन जो प्रॉपरली फंक्शन करता तो हम सड़कों पर नहीं होते, जुडिशरी को इंटरवीन करने की जरूरत नहीं थी. अब हम ये इस वक्त चाहते हैं सर, एक तो जो मैम ने चीफ जस्टिस मैम ने कहा है शी इज डीमिंग इट अप्रोप्रिएट, जो ने स्टे दिया है, और हम चाहते हैं कि हमारी डिजिटल मार्किंग हो सर, जो हमारी मैनुअल मार्किंग हो, हमारी 963 जो लड़के हमारे साथ जो अभी सिलेक्ट हुए हैं, दिस इज नॉट अ वॉर अगेंस्ट यू, आर आर बडीज, आप हमारे दोस्त हैं. और जब मैनुअल मार्किंग होगी, मैनुअल चेकिंग होगी, जो लोग मेरिटोरियस होंगे आप में से भी, वो भी बाहर क्लीन करके निकल आएंगे. और जो हम बोलते हैं ब्लू आइड है या नहीं है, करप्शन है या नहीं है, वो भी बाहर निकल के आएगा और सबके सब जो है पब्लिक डोमेन में आएगा. अबाउट दिस JKPSC, अगर हम फिर से इनको बोलते हैं कि आप जी चेक करो, फिर से इनका यही फुल प्रूफ सिस्टम होगा जो फिर से ग्लिचेस से पूरा का पूरा भरा हुआ होगा. द पॉइंट इस वक्त यह है कि मैं अपील करता हूं अपनी चीफ जस्टिस मैम से कि इवन गवर्नर साहब से, अभी प्रेसिडेंट रूल है, प्रेसिडेंट साहब से भी, क्योंकि देर आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो ये है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऐसे बिहेव नहीं करती, इतनी इमोरली और इतनी आर्बिट्रेरली वो बिहेव नहीं करते. तो मैं हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास पावर होते हैं कि वो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को रिमूव कर सकते हैं, देर आर इम्पीचमेंट प्रोसीजर्स फॉर दैट. मैं ये चाहता हूं कि वो इम्पीचमेंट प्रोसीजर जो है वो लागू किया जाए, वो इस्तेमाल किया जाए, और ऐसे बार 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 जो इन चीज़ों में हमें प्रॉब्लम होती है वो ये चीज़ें बार 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 ना हो, और वंस फॉर ऑल इस कमीशन को अंडू किया जाए, प्रॉपर बंदे वहां पर बिठाए जाए जो एक्सपर्टीज रखते हैं, जो इंटीग्रिटी रखते हैं, ताकि आज हमारे साथ हुआ हमारी फ्यूचर जनरेशन के साथ ऐसा ना हो. बहुत बहुत शुक्रिया. अब एक महीने का तो वक्त है, मैनुअली चेकिंग भी होगी और दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा. लेकिन एक बात और, अंत में मैं ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी बात करता हूँ जो पसंद भी आती है और कई लोगों को पसंद नहीं भी आती, वो कोई बात नहीं, मैं हमेशा से एक्सेप्ट करता हूँ हर चीज़ को. लेकिन इन दिनों में गवर्नर साहब के एडवाइज़र साहब, ज़रा गौर से सुनिएगा, इन दिनों में जो हरासमेंट हुई है ना कैंडिडेट्स की, चाहे वो कैंडिडेट्स ड्रॉप आउट्स थे या फिर जिन कैंडिडेट्स ने क्लियर किया हुआ था, ये सब लोग इकट्ठे पढ़ने वाले कैंडिडेट्स हैं, लेकिन हरासमेंट जो हुई है वो किनके वजह से हुआ है, इसके बारे में एक बार ज़रूर एक हाई लेवल की कमेटी बननी चाहिए और फिर उसके बाद जो होना चाहिए वो आप अच्छे से जानते हैं. आप लोग देखते रहें JK मीडिया. आशीष कोहली कैमरामैन, अशोक चलोत्रा जी के साथ JK मीडिया के लिए.